होता नहीं था। चंदा 100 रुपए से मान सम्मान करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो सजनों, बात वहीं से। अरे ये सारे राजा बैठे हैं, यहाँ मुकुट लगाए बैठे हैं, ये कैसा न्याय है? द्रौपदी क्या कहती है, कैसे क्या? अरे राजा के न्याय पहल करण का हुक्म दिया किसने, पहल करण का हुक्म दिया किसने, रहू किसकी मदासी बने के, रहू किसकी मदासी बने के, राजा कहना पानी। पहल करण का हुक्म दिया किसने, पहल करण का रहू किसकी मदासी बने के, रहू किसकी दासी।
परजा आधीन पति के सब परजा आधीन पति जैसे सर्प भरोसा मरने के कौन किसकी दासी बने के राजा के ढाला करे से भूठोर पानी पहल करण का हुकम दिया किसने पहल करण का हुकम रहू किसकी दासी बने के तेरे संग प्यार में ओ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना चाहे तेरे पीछे पड़े चाहे तेरे पीछे पड़े ये तक छोड़ना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना जी लड़के के दादाजी पूरी रात वही मान सम्मान करते हुए 101 रुपए से मान सम्मान करते धन्यवाद करते धन्यवाद मेरे भाई विनोद जो भी लड़के का दादा पूरी रात वही मान सम्मान करते हुए हाथ लाओ है तो बोला कोनी मारब ले जा 100 रुपए से मान सम्मान करते धन्यवाद करते धन्यवाद दादा ने दर्शाई है एक पति भरता और के बारे में ये कायदे दर्शा दिए और जब इसी भी झगड़ में गल जा के बना भाई कौन सी क्या दर्शाई दो नंबर पर दादा ने क्या लिखा है Come with you.
किसकी मदासी बने के और किसकी मदासी बने के हारे जमाना इजहार है विनोद भाई किसी का ब्याह हो जा को फूड़ नारी गल मंगल जा सारी जिंदगी तंग पाना पड़े तन बिन्यू बिताना पड़ा सुल्फे पीपी के ने राजन पैग मारी के सोना पड़े है इसे फूड़ नारी गल जा गल मंगोई लेकिन वो दो भाई थे एक तो 37-38 साल लगा हो गया और एक 30-32 साल लगा हो गया माँ बाप दोनों चले चल दे हो लिए रंडे रोड भी दबा दाड़ दे उसी सौदा हो रहा दोनों भैया का रोटी पौन वाली नहीं कोई वो थोटना बतलाने लग गया भाई तो बोले तेरी तो उम्र का तकाजा हो रहा से अरे भाई तू कह दे तो मैं कोई लाल लताड़ी ले आऊं को रोटियां जुगाड़ हो जा आहा नारियो मगे तो तंदे जाए लिए तो हाँ मैं तो बिहार का बड़ कवे ना रह रहा ही तो अभी यार आने में ना होता ही जान तो आई बात बिहार आने जो नहीं होता ही जा चावल नहीं जब है तो रोजाना चावल का खाना बनेगा फिर वह ना उन काजी कराना करे बमना प्रोग्राम से वो बतलाया भाई भले यार कि मैं देख लेना तुमसे कह दे दो समझ गया वो भी बतला भाई भी अब यो ठीक बोल रहा है सुरमा बोल रहा है यो भले देख ले भाई तेरा जी में जो कर ले भले देख ले भाई तेरी भी उम्र का तकाजा है और जब तू कह दे तो किधर जोगाड़ कर लिया उन्हें इजाजत दे दी भले कर ले भाई जोगाड़ नून नून तो दो पीछे इकट्ठे करके और वो यूपी तो लिया आया एक भगवान ने लिया आया घर ना आएगी बहू वो सवेरे चा बना के ने ट्रे में दो कप धर रही सब तो पहले बड़ा भाई दो रपोंची बोला लो भाई सब चाय पी लो इबुन्नो सोची अब तेरी गरज साला हो गया भाई सा भी ले आई और भाई साहब भी सा के निचन उतरा भाई साहब कहने के बाद में न्यू का न्यू कप टेक दिया भाई तो ना पूछ गया भाई चा का तो सड़का मार लग रहा बोला भाई चा पी ली भाई आपने मिली बोला चा तो मिलगी और आज कोई अरे रपूची बांधनिया पूची बांधन वाले आई तो पहले पहले है ना उड़ मत सदी एक और लिया खसम तो करने देखिए भाई गणा जिक्रा नहीं है अपने रागनी का और गाने गाने की जरूरत ना है गाने तो गने और गाना ये बिनो दौर गाने तो गने यार तो इनके ये फोन पर बता दे रहा भाई साहब फला फलाना का गाना था बोले वो भाई गढ़वे बजाने और सिगला हमारे की लड़ाई कर दिया ना भाई साहब ना भाई साहब गढ़वे तो अपने बजाने पड़ेंगे ना एक केक खंजरी ले लो अपन पंजाबी में डाल उसमें का करो फिर आप फिर सुन दिए नहीं बचेंगे जाइए गढ़वे बजाने लाई जाए पर सुन दिए कौन बचेंगे आगे बढ़ते रहो रेल लगाएगा कि डिब्बा जोड़ते रहोगे जब काम चल लगा नहीं हाँ आप तीसरे नंबर पर क्या लिखा है क्या चुगली और काटे तय गिरे जाना
60,000 की दूंगा और 80,000 रुपये तोड़ू तू नोला मेरे न्यू आया कर बात है थारा काम धंधा भी करिया है और तोड़ के मैं 40-40 की दे नोला ना भाई घने टूटे हैं 60,000 की दूंगा या अरे एक जना मर्द सुलफे गुट नोला बात सुन ले रुपये 1,00,000 दूंगा पर मोड़ बांध के थारा आऊंगा कैसे दादाजी 101 रुपए और मान सम्मान करते ही धन्यवाद करते ही धन्यवाद देखिए हमारे बुजुर्ग जब रिश्ता करते थे जब गण आदि उनके मिलवाए जाते थे लड़का और लड़की के जब वो रिश्ता तय होता था ज्योतिषकार उनके गण आदि मिलवाते थे ग्रह नक्षत्र मिलवाते थे वो टाइम धरा जाता था उस टाइम के ऊपर उनके फेरे फिर आज आ करते जब वो गृहस्थ जीवन सफल हो आ करता और आजकल तो बिगड़ लिया तेरा हाथ मन देख लिया फेसबुक पर सेटिंग हो लिया है फेसबुक पर ब्याह हो के ना थाना में पाओगे उड़ा सेटिंग हो लेगी और फिर उनकी सिक्योरिटी भी भेजेंगे और 3-1 महीने पछे ये गण थोड़ी मिलवा रखे देखो नक्षत्र थोड़ी देख रखे फिर उनकी तकर मकर क्यों
थोड़ा थोड़ा भी पीछे समझ जा घराले भी कौन देखे नौकरी लग जाता थोड़ा क्योंकि मैं कमावा था तो उसका चक्कर में पड़ जाता है। पर वो जितना भी सामान घराने जो समाज का रीति रिवाज होता है वो दिया था वो सामान की टॉटोलॉजी के ने उल्टी है करना पीर मजागी वो गलियार पूछेंगे रे बोले अरे ओ हो भाई रे या सामान की टाटा किसकी आ रही है बोले कांता का सामान आ रहा है बोले 3 महीने बाद से बोले पिछड़ जाएगा उनका फिर उनका तलाक होता अंडे। लेकिन जो अच्छे गुण होते हैं क्या कायदे होने चाहिए एक पति भरता स्त्री के अंदर हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं दादा लक्ष्मी चंद ने आखिर में क्या दर्शाया है क्या लिखा है क्या? रस्ते में ठूस मारा करता किसी का रास्ता आंदा उसमें ठूस मारता और हम रास्ता करके पैदल के चलने हुआ करते बातचीत पक्की करके अंदर पैदल लाग लिए गमे गमे और नुबरा किसी ने बता दिया बोला फलाना छोरा रास्ता हो गया जो सा ठूस मारने आया था लांगड़ टैंक के अंदर राई लाग लिया तबड़क हो लिया आगे जाके रे बोला रे थम रास्ता ले हो बोला हाँ कि फलाने का करके आए हो बोला रास्ता करे आए भाई बातचीत करे आए पक्की ऐ बावड़े हो हमने रास्ता कर दिया तमने कि मैं देखा है बोला की बात कि खानदान में कभी है ना खानदान ठीक है अब ले फिर अब ले जिस सोरन देख के उसका जीप को नहीं तो बोला मरो त्री बेबे का जीप तो देखी है को नहीं उल्टे बुढ़ा लिया थी नुमान है और वो छोरे आले ने दिखा अगियो नाश करना बुढ़ा के लिया है ठूस मारा का तेरा छोरा का रास्ते में नुमरा पंडित जी चौधरी साहब अगर छोर न बोला न बोला बेटे राम फड़ा बोला के बात है बोला तेरे छोर अजीब गोनी न बोला राम फड़े आज बेटा छोर अभी आ गया पंचर और पड़ोस पड़ोस के जुड़ गए गली गली में न बोला बेटे राम फड़ जीभ काट के देखा वो बेचारा शर्मंदन थोड़ी ही जीभ काटी न बोला कहूं था नहीं थोड़ी ही जमाई वल्लाही मार गया बोला जीभ छोटी है न बोला आराम फड़े जीभ काट थोड़ी हो रही एक पूरी खाई थी न बोला मैं को हंगा लागे एक पूरी की लकड़े है छोर वाला ने सोचा न बोला आराम फड़े जीभ काट हमारी एक हाथ की आई बार नहीं न बोला बस जीभ तो पूरी से तू तो नुगा था बोला पक्की बात से मारी आ न बोला बेटी का बाप तू तो ठूस मार के छक लिया मेरा छोर का रास्ता हो गया बोला रास्ता बेसक हो गया चौराहे पे एक हाथ की जीप का डाला की तरह छोड़ कैसे